हिंसा के बाद जेएनयू में तनाव बरकरार, कैंपस के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हिंसा और बवाल के बाद बंद किया गया जेएनयू का मेन गेट, जांच के बाद ही छात्रों को मिल रही है एंट्री। उपद्रवियों ने जेएनयू कैंपस में दिव्यांग छात्र सूर्य प्रकाश पर भी किया हमला, कमरे के अंदर घुसकर पिटाई। जेएनयू हिंसा पर सरकार सख्त, गृह मंत्रालय ने कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। जेएनयू के पेरियार हॉस्टल में भी हुआ था हमला, छात्रों के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू हुआ हंगामा। पेरियार हॉस्टल में हुई हिंसा के चश्मदीद आए सामने, कहा बाहरी थे उपद्रवी। साबरमती छात्रावास के वार्डन राम अवतार नीड़ा ने दिया इस्तीफा, कहा सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी मेरी। जेएनयू प्रशासन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, हिंसा और बवाल का सिलसिलेवार जिक्र। जेएनयू के वीसी का बयान, मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार प्रदर्शनकारी छात्रों पर होगी कार्रवाई। जेएनयू हिंसा पर पुलिस का बयान, हमने हालात को किया काबू, जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा। पहली टीम सीसीटीवी और वायरल वीडियो की जांच करेगी, दूसरी पहचान करेगी उन उपद्रवियों की और तीसरी टीम दिल्ली पुलिस की दर्ज कराएगी बयान। दिल्ली पुलिस ने एक्शन में देरी को नकारा, कहा जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया। जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में जामिया विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीएचयू में फूंका गया वामदलों का पुतला, प्रदर्शनकारियों ने कहा नक्सलियों ने छात्रों को बनाया निशान। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हिंसा को लेकर प्रदर्शन। चंडीगढ़ में एनएसयूआई और एबीवीपी का प्रदर्शन, एबीवीपी ने कहा वामपंथियों ने कराया जेएनयू में हमला। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध, कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद में बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने कहा जेएनयू में हुई हिंसा प्री प्लान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जेएनयू हिंसा को ठहराया गलत, कहा जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चेन्नई में मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, एबीवीपी और आरएसएस पर बैन लगाने की मांग। यादवपुर यूनिवर्सिटी में भी छात्रों का प्रदर्शन, सीएए और एनआरसी से आजादी के भी लगाए नारे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लेफ्ट समर्थकों ने दिल्ली हावड़ा ट्रेन रूट पर लगाया जाम, जेएनयू में हिंसा का उठाया मुद्दा। तिरुवनंतपुरम में भी जेएनयू हिंसा से छात्र उग्र, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बेंगलुरु में टाउन हॉल के बाहर प्रदर्शन, जेएनयू हिंसा के मुद्दे की गूंज। चंडीगढ़ में एनएसयूआई और एबीवीपी का प्रदर्शन, एबीवीपी ने कहा वामपंथियों ने कराया जेएनयू में हमला। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध, कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद में बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने कहा जेएनयू में हुई हिंसा प्री प्लान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जेएनयू हिंसा को ठहराया गलत, कहा जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर करारा वार, कहा जिन्होंने हमला कराया अब वही कराएंगे जांच, कैसे होगा इंसाफ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जेएनयू हिंसा को कहा शर्मनाक, बोली छात्रों पर फांसीवादी हमला। मायावती ने की जेएनयू हिंसा मामले में न्यायिक जांच की मांग, कहा केंद्र सरकार घटना को गंभीरता से ले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मांग, जेएनयू केस में गृहमंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा बिना सरकार के समर्थन के नहीं हो सकती जेएनयू जैसी हिंसा। जेएनयू हिंसा पर हरियाणा सरकार के गृहमंत्री अनिल विज का गांधी परिवार पर निशाना, कहा राहुल और प्रियंका के विश्वविद्यालय जाने से ऐसे हालात हुए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जेएनयू हमले की तुलना आतंकी हमले से की, कहा बर्बरता देख 26/11 हमले की आई याद। जेएनयू की हिंसा पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, नकाबपोश गुंडों को कहना चाहिए आतंकी। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड के अपशब्द, कहा जेएनयू हिंसा मोदी शाह का प्रायोजित आतंकवाद। एक्टर सुशांत सिंह ने भी साधा मोदी सरकार पर निशाना, पूछा सरकार बताए जेएनयू में क्या हो रहा है। बज गया दिल्ली चुनाव का बिगुल, 8 फरवरी को मतदान, 11 को नतीजे। दिल्ली में मतदान के लिए बनाए गए जाएंगे 13,757 बूथ, कुल 1,46,00,000 मतदाता करेंगे मतदान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से की अपील, सरकार के काम पर करें मतदान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का दावा, इस बार दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। मथुरा में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष ने अस्पताल के गार्ड से की मारपीट, तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज। लखीमपुर में सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, हत्या की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद।
बुलंदशहर में मामूली विवाद में भिड़े दो गुट, एक दूसरे को पीटने का वीडियो वायरल। हरदोई में डीसीएम और ट्रक की भयानक टक्कर, ट्रक हुआ खाक। ग्रेटर नोएडा में धारदार हथियार लेकर झगड़ने वाले दोनों अफ्रीकी युवकों को पुलिस ने पर्सनल बॉन्ड बनाकर छोड़ा, दोनों के झगड़े का वीडियो हुआ था वायरल। झांसी में पकड़ में आए रेलवे की संपत्ति चुराने वाले 5 आरोपी रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में सिख समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। कैलाश खेर को नोटिस भेजने वाली खबर को आईआईटी कानपुर ने किया खारिज, कहा हमने नहीं भेजा नोटिस। मथुरा में जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज बावा पर धोखाधड़ी का केस, अरबों की संपत्ति का मामला। ग्रेटर नोएडा के एसएसपी के समर्थन में आया भारतीय किसान यूनियन, एसएसपी के वायरल वीडियो को बताया साजिश। पाकिस्तान में सिखों के खिलाफ हो रहे जुल्म पर लखनऊ में मुस्लिम समुदाय का आक्रोश, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। मऊ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज दिखाकर 4 लोगों को लाइसेंस दिलाने का केस दर्ज, अभी जेल में है मुख्तार अंसारी। योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रियंका गांधी के खिलाफ बोले अभद्र शब्द, कहा प्रियंका है मेंटल केस। मेरठ में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचा समाजवादी पार्टी का दल, परिवारों को बांटे 5-5 लाख रुपए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कई योजनाओं का किया शुभारंभ। सीतामढ़ी में स्कूल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ छात्रों ने स्कूल में की तोड़फोड़, हेडमास्टर को बनाया बंधक। नवादा में अपराधियों ने जेसीबी वैन, पिकअप वैन को फूंका, सकरी नदी पर पुल निर्माण कर रहे मजदूरों से भी मार दिया। कैमूर में पशु तस्करी का भंडाफोड़, गाड़ी से 6 मरे और 14 जिंदा सांड बरामद। बिहार के कैमूर में ठंड लगने से ट्रक के हेल्पर की गई जान, 5 दिन से जाम में फंसा था ट्रक। समस्तीपुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं, झाड़ू और बर्तन लेकर डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बाड़मेर में 4 सेकंड में ध्वस्त हुई 680 लीटर की पानी की टंकी, तस्वीरें कैमरे में कैद। अजमेर में सिख समुदाय ने फूंका पाकिस्तान का पुतला, गुरुद्वारे पर हुए हमले के खिलाफ आक्रोश। बूंदी में जायदाद के 3 बेटों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर मां बाप को पीटा, मां की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के पाली में टिड्डी बने मुसीबत, कृषि विभाग के लोग जगह जगह कर रहे हैं दवा का छिड़काव। जोधपुर में भी किसानों के लिए मुसीबत बनी टिड्डियां, प्रशासन के इंतजाम नाकाफी। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नहीं थम रहा बच्चों की मौत का सिलसिला, आज भी 2 बच्चों की मौत, अब तक 112 बच्चे तोड़ चुके हैं दम। पाली में घर में चोरी के इरादे से घुसा आरोपी पकड़ा गया, लोगों ने जमकर धुना। बेंगलुरु में सड़क हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। पानीपत में टेक्सटाइल कंपनी में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 3 शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, तीनों पर दर्ज है कई आपराधिक केस। कल हरियाणा में नहीं चलेगी रोडवेज बस, किलोमीटर स्कीम के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने किया है 7 और 8 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। उज्जैन में 3 शातिर बदमाशों की पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद तीनों गिरफ्तार। ग्वालियर में गुजरी महल संग्रहालय में 17वीं शताब्दी की बनी अष्ट धातु की मूर्ति चुरा ले गए चोर, अष्टभुजा माता की थी मूर्ति। धनबाद में बेटे का शव पाने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है बेबस पिता। सऊदी अरब में 1 एक्सीडेंट में बेटी की गई है जान। जमशेदपुर में पकड़ में आए 2 शातिर ठग, इंटरनेट के जरिए अब तक लोगों को लगा चुके हैं 30 से 40 लाख का चूना। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में इमारत में लगी आग, 5 लोग घायल। महाराष्ट्र के बुलढाणा में 9 साल की बच्ची से 7 साल के बुजुर्ग ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बानेर में एक होटल में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। गुजरात में समुद्र तट पर पकड़ी गई 175 करोड़ की ड्रग, 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार। सूरत में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर लगाया कचरा पेटी में घोटाले का आरोप। पठानकोट में बीच बाजार फांसी का फंदा लगाकर ऑटो चालक ने की खुदकुशी की कोशिश, बार बार चालान कटने से दुखी था।
ननकाना साहिब में हुई हिंसा को लेकर पटियाला में मुख्यमंत्री की पत्नी और सांसद परनीत कौर का प्रदर्शन, कहा सिखों का अपमान बर्दाश्त। अमृतसर में महर्षि वाल्मीकि के अपमान पर वाल्मीकि समुदाय का रेल रोको प्रदर्शन, अपमान करने वाले वकील को गिरफ्तार करने की बात। असम के चिरांग में पकड़ा गया एनडीएफबी के वांटेड काडर, कई मामलों में था वंचित। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी के अभद्र बोल, कहा अमित शाह ने मां का दूध पिया है तो बंगाल के एक भी शख्स को बाहर निकालकर दिखाए। औली में जबरदस्त बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे लोग। जबरदस्त बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवानों का वीडियो आया सामने, प्रतिकूल मौसम में भी कर रहे ट्रेनिंग। मनाली में भी जोरदार बर्फबारी, तेलंगाना में बड़ी पर्यटकों की भीड़। श्रीनगर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम। मसूरी में बर्फबारी ने रोकी रफ्तार, जहां तहां पर्यटक फंसे। देहरादून में शीतलहर का सितम, अगले तीन दिन तक रेड अलर्ट। बागेश्वर में जबरदस्त बर्फबारी, शीतलहर से प्रचंड ठंड। धर्मशाला में ठंड ने बढ़ाई मुसीबत, शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। फतेहपुर शेखावटी में सर्दी का सितम, एसएचओ ने बांटे कंबल और रजाई। सीकर में ठंड का प्रकोप, 13 जिलों में अलर्ट।